मेरे साथ जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सायना जी, आपका अभिनंदन है, आपको मेरी आवाज मिल रही है सायना जी। जी मैं सुन पा रही हूँ जी। आपके बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी साहब को ममता बनर्जी का हिजाब दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि आप देखिए चुनाव आ रहा है तो हिंदू बन रही है, लेकिन आप तो आपकी पार्टी ने तो खुद इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ समझौता कर रहा है, जिस पर आपकी ही पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं हो सकता। आनंद शर्मा ने क्लियर कट बोला, बताइए। बदरुद्दीन अजमल का एक बयान तो वायरल ही है, हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा पहले बोला था, पहले ऐसा नहीं बोला था, ये तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है, लेकिन दोनों जगह आपका गठबंधन है। सायना जी आप तो खुद 30% मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधे हुए हैं। तो मैं सबसे जी मैडम बोलिए, बोलने दीजिए, मैं तो बोलने ही दे रहा हूं, ठीक है बोलिए। क्योंकि ममता बैनर्जी जी आज तक बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी जी थोड़ा देर पहले ही कहा, आप जो सुने होंगे कि आज तक ममता बैनर्जी जी जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, सर में दुपट्टा देकर, हिजाब देकर मुस्लिम वोट बैंक को टालने की कोशिश की। जब वोट आता है तो उन्हें कभी मुसलमानों का याद आता है, अभी हिंदुओं का याद आया तो वो चंडी पाठ करने चले गई। लेकिन मैं संदीप पात्र जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश। तो आप क्या सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू है? ये क्या वोट का मुद्दा हो सकता है? देश में बेरोजगारी इतना ज्यादा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये सब लेकर तो आप बात नहीं करते। किसान आंदोलन 100 दिन से ऊपर चले गया है, उसको लेकर आप बात नहीं करते। जब देखो राम और ये और वो लेकर आप लोग परेशान होते हैं। आपका फोन बज रहा है, फोन साइलेंट करिए, संबित पात्रा तब तक जवाब देंगे। संबित जी जवाब दीजिए आप। देखिए मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूं कि रिहाना मैडम ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। सायना जावेद, सायना रिहाना मैडम, ये शाहिना जावेद, शाहिना जावेद, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जो भी आपका नाम हो, बता तो रहा हूं, जो भी आपका नाम हो, रिहाना हो या साइना हो, सुन लीजिए, ऐसा है रिहाना मैडम कि ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे, ये सर्टिफिकेट आप ही के अधीर रंजन चौधरी बांट रहे थे कि हिजाब पहन के ममता बनर्जी पहले नमाज पढ़ती थी, आजकल मंदिर जा रही है, ये नकली हिंदू है। और खैर रिहाना जी ये सब छोड़ दीजिए, आप तो मेरी बहन है, आप बताइए राहुल गांधी को कब भेज रहे हैं? हिंदू होने से आपको बुरा लग रहा है? अरे ममता बनर्जी जी, अरे अधीर रंजन चौधरी को बुरा लगा है, लगता है अधीर रंजन चौधरी भी चाकू की राह में चलने वाले हैं। प्रॉब्लम तो अधीर रंजन चौधरी को था, वो भी चाको बन गए हैं क्या? दो करोड़ अधीर रंजन चौधरी का नाम पेट्रोल कब से हो? पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। अनिल भाई ये रिहाना मैडम से बोलिए अधीर रंजन चौधरी का नाम पेट्रोल कब से हो गया? जो टॉपिक है उसी पे डिबेट करें। अगर आपको बेरोजगारी पे डिबेट करनी है तो बेरोजगारी का विषय होता है, हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर को बताते हैं, वो बेरोजगारी पे गेस्ट बोलते हैं। लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के हिजाब और चंडी पाठ पे बोला। मैडम सुनिए, मैंने सायना जी ये नॉनस्टॉप बोलने से, मैं ये देखिए देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट है, मेरा निवेदन है, आपको करोड़ों लोग इस समय देख रहे हैं, इसलिए आप मेरी डिबेट में पहली बार आ रही है।